अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ग्लोई सा लुक है ये। अगर आप डेली जाते हो कॉलेज या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बेस तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मियोन की ऑयल कंट्रोल कंसीलर बेस स्टिक। ये बेस स्टिक बहुत ही लाइट वेट में है, आप रेगुलर में इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और सबसे मेन चीज़, मैंने इस स्टिक को यूज़ करने से पहले फेस वॉश कर चुकी हूँ मैं अपना, और मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लिया है। मैं कोई प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि रेगुलर में हम प्राइमर यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि प्राइमर हमारे फेस पर सिलिकॉन की एक मोटी लेयर बनाता है जिससे हमारा फेस बहुत हैवी लगता है। चलिए जी, अब ब्रश की हेल्प से हम अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। हमें इसे टैबिक मोशन में ब्लेंड करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी। तो ऐसे ही हम अपने फेस से सारा जो कंसीलर हमने लगाया है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस कंसीलर का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है, जिससे कि ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है, और मुझे इसी वजह से ये कंसीलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये देख सकते हैं आप, ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। कहीं पर भी कोई भी क्रीज लाइन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी खीकीनेस नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मियोन का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसको हमें अपने ब्रश के ऊपर लेके बड़े ही प्यार मोहब्बत से आराम आराम से टैबिंग मोशन में अपने फेस के ऊपर स्प्रेड करना है, जिससे कि मेरे बेस का जितना भी क्रीमी टेक्सचर होगा वो सब कुछ मैट हो जाएगा और कोई भी क्रीज लाइन या फिर कोई भी कीकीनेस नहीं रहेगी मेरे फेस के ऊपर। हाँ जी, तो अपने आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैजिक कलर का पेन लाइनर। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप पेन लाइनर ही यूज़ करो, क्योंकि इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं अपने लाइनर की स्टार्टिंग अपने आई के एंड से लगाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लाइनर की विंग बनाती हूँ, क्योंकि जब हम अपने लाइनर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो पीछे जाते जाते एक आँख की विंग तो बिल्कुल अच्छी बन जाती है परफेक्ट, और दूसरे आँख की विंग ज़रा सी ऊपर या फिर नीचे हो जाती है। और ये मेरे ही नहीं, ये मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ जी, तो मैंने एक आँख पे आईलाइनर तो लगा लिया, बट मैं शैडो लगाना भूल गई। तो हम शैडो के लिए ये ब्राउनिश कलर यूज़ करेंगे। ये डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा नेचुरल और न्यूट सा लुक देता है। इसको भी हम टैबिंग मोशन में लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी आई की क्रीज बनाएंगे और इसको फिर आराम आराम से फिल कर देंगे और स्प्रेड कर देंगे सारे शैडो को। ब्रश की जो फोर्स होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए, बस उसको आराम से हमें अपनी आईलिड पर छूना है बस, और फिर आराम आराम से इसको स्प्रेड करना है चारों तरफ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे मेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा न्यूड सा मेकअप लुक है। हाँ जी, तो ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर इन द शेड 05। ब्लशर को हम अपने ब्रश के ऊपर लेंगे और फिर इसे हम अपने एप्पल ऑफ द चीक
और चीक बोन पर आराम आराम से अप्लाई करेंगे। नेचुरल और रोजी लुक देने के लिए हम थोड़ा ब्लश ऑन अपने नोज़ एरिया पर भी अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो आज जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो हिलेरी ओडा की 5 स्टेप्स मैट लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 150 रुपीज़ की है लिपस्टिक। आपके मेकअप बॉक्स में ये लिपस्टिक तो लाजमी होनी चाहिए। इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें न्यूड कलर्स भी हैं, इसमें बोल्ड कलर्स भी हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम सबसे पहले अपने आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे लिप्स पे। इससे लिपस्टिक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और हमारी लिपस्टिक स्मज भी नहीं होती। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बारी आती है मेरे फेवरेट स्टेप की, हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर कॉस्मेटिक का हाइलाइटर। इसमें आपको 5 शेड मिल जाते हैं। इन हाइलाइटर्स की पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है, ये देखिए, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ जी, तो हाइलाइटर को अपनी फिंगर पे लेके सबसे पहले हम अपने नोज़ एरिया पर इसको अप्लाई करेंगे, टिप ऑफ द नोज। और फिर हम इसे अप्लाई करेंगे अपनी चीक बोन्स पर। ग्लो देखो यार। तो दिस इज माय फाइनल लुक गाइस। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।